तो दोस्तों यहाँ गौर से देखिए, कुछ ही सेकेंडों में वी आर रैंक सीजन 36 जाने वाला है और ये 2-1-0 वी आर रैंक सीजन 36 गया, 37 आने का काउंटडाउन स्टार्ट हो गया। अब 30 मिनट के बाद वी आर रैंक सीजन 37 स्टार्ट हो जाएगा। तो इस न्यू वी आर रैंक सीजन 37 के लिए मैं आप लोगों को बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले एक बात जान लीजिए कि जैसे ही न्यू वी आर रैंक सीजन आता है वैसे ही लॉबी जो है ना बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है, मतलब अपोनेंट जो होता है ना वो बहुत ज्यादा टफ आने लगते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर मतलब सीजन के स्टार्टिंग में जो आपका जो पुराना वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है वो ज्यादा यूजफुल नहीं रहता, तो आपको जो ना खास तौर पे सीजन की स्टार्टिंग में, न्यू बी आर रैंक सीजन के स्टार्टिंग में जो ना एक ऐसा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन चाहिए जो कि आपको मतलब सर्वाइव करने में भी हेल्प करे, जो कि आपको फाइट करने में भी हेल्प करे, मतलब थोड़ा बहुत जोन में भी फंस जाए तो वहां पर आपका बहुत ज्यादा हेल्प कर दे, उसके बाद जब आप इनिमी से फाइट करें वहां भी आपका हेल्प करे। तो मतलब कि न्यू बी आर रैंक सीजन के अंदर आपको एक ऐसा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन चाहिए जो दोनों काम कर सके, मतलब सर्वाइविंग प्लस फाइटिंग दोनों काम कर सके। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने न्यू बी आर रैंक सीजन 37 के लिए एक बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन तैयार किया है जो कि आपका सर्वाइविंग प्लस फाइटिंग दोनों में हेल्प करने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस यूनिक कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को जानते हैं। तो सबसे पहले बारी आती है एक्टिव स्किल कैरेक्टर सेलेक्ट करने की। तो फ्री फायर गेम के अंदर बहुत सारे एक्टिव स्किल कैरेक्टर है, पास्ट में आप बहुत सारे एक्टिव स्किल कैरेक्टर से खेलते होंगे या अभी भी खेल रहे होंगे, लेकिन न्यू बी आर रैंक सीजन के अंदर जो सबसे बेस्ट एक्टिव स्किल कैरेक्टर होने वाला है, जो आपको सर्वाइविंग प्लस फाइटिंग दोनों में हेल्प करने वाला है, वो होने वाला है के कैरेक्टर। क्योंकि के कैरेक्टर जब आप फाइट कीजिएगा तो वहां भी हेल्प करेगा, जब आप सर्वाइव कीजिएगा मतलब जोन तोन में अगर फंस जाइएगा तो वहां भी हेल्प करने वाला है। तो देखिए यहां पर मैं आपको के कैरेक्टर यूज करने का एडवांटेज कुछ समझाने वाला हूं। तो देखिए यहां पर क्या होता है, यहां पर मैं जा रहा था जोन में, देखिए इनिमी मिल गया, इनिमी से फाइट हो गया, तो आपके साथ भी ऐसा सिचुएशन होता है, मतलब जोन के अंदर इनिमी मिल जाता है और इनिमी से आप फाइट करने लगते हैं और जोन में फंस जाता है, ठीक ना। तो यहां पर के कैरेक्टर सबसे ज्यादा यूजफुल होता है क्योंकि के कैरेक्टर आपको कंटिन्यू ईपी दे रहा है, ईपी को आप एचपी में बदल सकते हैं, रनिंग करते हुए आपको एचपी मिलेगा, के कैरेक्टर का आप यूज कीजिएगा तो आप मतलब जोन से निकलने में भी हेल्प कर देगा और अगर आप इनिमी से फाइट कर रहे हैं तो वहां भी हेल्प कर देगा। मतलब कि के कैरेक्टर क्या है ना कि सर्वाइविंग करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है, साथ ही साथ फाइटिंग करने में भी हेल्प करता है। इसलिए जो ना न्यू बी आर रैंक सीजन के अंदर अभी जो अभी इंस्टेंट में के कैरेक्टर का यूज कीजिए, बाद में जब सीजन आगे बढ़ेगा तो आप बाद में कोई अदर एक्टिव स्किल कैरेक्टर का यूज कर सकते हैं, लेकिन जब न्यू बी आर रैंक सीजन स्टार्ट हुआ यहां पर जो सबसे बेस्ट एक्टिव स्किल कैरेक्टर के कैरेक्टर है, क्योंकि के कैरेक्टर सर्वाइविंग प्लस फाइटिंग दोनों जगह आपका हेल्प करने वाला है। इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया है आपको एक्टिव स्किल कैरेक्टर में के कैरेक्टर सेलेक्ट करना है, क्योंकि के कैरेक्टर इकलौता एक ऐसा एक्टिव स्किल कैरेक्टर है जो कि आपका मतलब फाइटिंग में भी हेल्प कर सकता है और सर्वाइव करने में तो क्या ही बोले सबसे ज्यादा हेल्प करता है। तो एक्टिव स्किल मैंने बता दिया आपको कौन सा यूज करना है, क्यों यूज करना है, सब चीज बता दिया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हम लोग को फर्स्ट पैसिव कैरेक्टर कौन सा यूज करना चाहिए। तो देखिए लुकिटा कैरेक्टर को जो है हम लोग फर्स्ट पैसिव कैरेक्टर के रूप में यूज करने वाले हैं, क्यों यूज करने वाले हैं सारा चीज मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूं। तो आप लोग यहां देखिए, यहां मेरा एचपी पे गौर कीजिए, तो मेरा एचपी कितना है, आप सिर्फ मेरा एचपी देखिए कितना एचपी है, 280 एचपी है, 280 एचपी है। तो ये 280 एचपी क्यों है, लुकिटा कैरेक्टर के कारण। और यहां देखिए जब हमको इनिमी मारता है तो यहां पर देखिए पीछे से मार रहा था, हमको पता नहीं चला था, देखिए मैं थोड़ा सा एचपी से बच जाता हूं, थोड़ा सा एचपी से बच जा रहा हूं। तो यहां पर लुकिटा कैरेक्टर था तभी मैं बचा, अगर लुकिटा कैरेक्टर नहीं रहता मेरा 200 एचपी रहता या 230 एचपी रहता, मैं आराम से डाउन हो जाता और यही मर जाता और मेरा प्लस क्या माइनस हो जाता, जो बोले सब चीज हो जाता। तो मतलब लुकिटा कैरेक्टर क्या करता है ना, आपका मैक्सिमम एचपी को बढ़ा के 280 तक ले जाता है, मतलब बहुत ज्यादा एचपी हो जाता है। और जब इनिमी से फाइट होता है तो वहां पर आपको क्लियर एडवांटेज मिल जाता है, साथ ही साथ अगर आप जोन में भी फंसिएगा तो आपके पास ज्यादा एचपी रहेगा तो ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। मतलब लुकिटा कैरेक्टर भी मतलब सर्वाइविंग प्लस फाइटिंग दोनों जगह हेल्प करता है, फाइटिंग में तो क्या ही बोले आपका एचपी को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, इनिमी के ऊपर क्लियर एडवांटेज आपको देता है। और देखिए ये जो 280 एचपी है ये परमानेंट होता है, ऐसा नहीं कि टेम्प्रोरी रहता है, परमानेंट रहता है। आपका एचपी घटा, मेडिकेट मारिए, फिर 280 एचपी हो जाएगा, ये परमानेंट एचपी देता है जब तक आप मरते नहीं है, अगर फिर से रिवाइव होएगा तब फिर से आपको 280 एचपी करना होगा, नहीं तो ऐसे जो है आपको परमानेंट एचपी देता है। इसीलिए जो है क्लियर एडवांटेज देता है लुकिटा कैरेक्टर वीआर रैंक गेम के अंदर, और न्यू सीजन के अंदर तो और भी ज्यादा पावरफुल होने वाला है लुकिटा कैरेक्टर। इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया बिना किसी शक के फर्स्ट पैसिव कैरेक्टर के रूप में आपको, जब भी आप वीआर रैंक गेम के लिए तो आप फर्स्ट पैसिव कैरेक्टर में जो लुकिटा कैरेक्टर यूज कर लीजिए। तो इसके बाद आगे जो सेकंड पैसिव कैरेक्टर यूज करना है वहां पर आपको फोर्ड कैरेक्टर यूज करना है, क्यों यूज करना है मैं सब चीज बताऊंगा। बहुत बंदे सोचते हैं फोर्ड कैरेक्टर बेकार कैरेक्टर है, लेकिन मैं आपको फोर्ड कैरेक्टर का एडवांटेज बताने वाला हूं, एडवांटेज समझाने वाला हूं, इसके बाद आपको पता चलेगा फोर्ड कितना ज्यादा यूजफुल है और यहां पर मैं फोर्ड कैरेक्टर को क्यों सेकंड पैसिव
एग्रेसिव कैरेक्टर के रूप में यूज कर रहा हूं। तो यहां वीआर गेम में 1v1 सिचुएशन है, मैं इनिमी को हेडशॉट मारूंगा, इनिमी भी हमको डैमेज दिया। देखिए फोर्ड हमको स्टैंड में 30 एचपी देता है, इसके बाद ईपी को जैसे एचपी में स्विच करता है, फिर से देखिए फोर्ड कैरेक्टर चार्ज है, मतलब रेडी टू यूज है फोर्ड कैरेक्टर। फिर से जब इनिमी मारेगा फिर से 30 एचपी देगा। और यहां पर देखिए जैसे मैं पहले थोड़ा सा मैं रिपेयर किट मारता हूं, फिर से मैं लेफ्ट जाता हूं, एक बार फोर्ड का यूज हो गया है, अब देखिए फिर से मैं लेफ्ट साइड जाता हूं, लेफ्ट साइड जाऊंगा, अभी देख लीजिए लेफ्ट साइड जाऊंगा, फिर से इनिमी हमको डैमेज देगा, फिर से इनिमी डैमेज दिया तो फिर से फोर्ड का एबिलिटी चालू हो गया, इंस्टेंट में एचपी हो गया। तो फोर्ड का आपको पता है 3 सेकंड में 30 एचपी देता है, बहुत फास्ट एचपी देता है। उसका देखिए यहां पर मैं फिर से जैसे ईपी में स्विच करता हूं, फिर से देखिए फोर्ड कैरेक्टर चार्ज हो गया, रेडी टू यूज ए फोर्ड कैरेक्टर। फिर से उसके बाद देखिए मैं इनिमी से फाइट नहीं करता हूं, ईपी को फिर से एचपी में किया, फिर से इनिमी को इनिमी से फाइट किया। यहां पर ये भी एचपी दे रहा है, फोर्ड भी एचपी दे रहा है, इनिमी हमको मार ही नहीं पाएगा, ठीक ना। यहां देखिए इनिमी नहीं मार पाया, सोनिया बनने का बहुत डैमेज दिया लेकिन मार नहीं पाया और ये मैच बुइए हो गया। तो मतलब कि फोर्ड कैरेक्टर जो इंस्टेंट एचपी देता है 3 सेकंड में 30 एचपी देता है, बहुत जल्दी एचपी देता है, उसके बाद मतलब बार बार आप फोर्ड कैरेक्टर का यूज कर सकते हैं। ऑटोमेटिक 20 सेकंड इसका कूल डाउन टाइम है, अगर आप किए कैरेक्टर के साथ अच्छा से यूज कीजिएगा तो आपको मतलब 6-7 सेकंड में बार बार फोर्ड का यूज कर सकते हैं। इतना समझाने के बाद भी बहुत सारे बंदे बोल सकते हैं कि मतलब फोर्ड के जगह हम लोग एंटोनियो कैरेक्टर यूज कर लेते हैं, एंटोनियो फोर्ड से ज्यादा अच्छा कैरेक्टर है, या फिर लियोन कैरेक्टर यूज कर लेते हैं, लियोन तो और भी ज्यादा अच्छा कैरेक्टर है, 60 एचपी भी देता है। लेकिन देखिए फोर्ड का जगह जो है ना एंटोनियो या लियोन नहीं ले सकता, क्यों मैं आपको समझाता हूं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो मतलब लियोन या फिर एंटोनियो कैरेक्टर है वो फाइटिंग के बाद आपको एचपी देगा, फाइट से जब सर्वाइव कर लेंगे तब, जबकि फोर्ड कैरेक्टर जो है फाइटिंग के दौरान आपको 30 एचपी दे देगा। पहला तो यहां बेनिफिट हो जाता है, दूसरा जो सबसे मेन बेनिफिट है मतलब फोर्ड कैरेक्टर यूज करने का कि फोर्ड कैरेक्टर जोन में भी वर्क करता है, जबकि एंटोनियो और लियोन जोन में बिल्कुल वर्क नहीं करता है, जबकि फोर्ड कैरेक्टर अगर आप जोन के अंदर रहेंगे तो हर 20 सेकंड में आपको 30-30 एचपी मिलते रहेगा। मतलब सर्वाइविंग करने में फोर्ड कैरेक्टर बहुत ज्यादा हेल्प करता है, फाइटिंग में भी हेल्प करता है लेकिन सर्वाइव में ज्यादा हेल्प करता है फोर्ड कैरेक्टर। तो अब ज्यादा समझाने का जरूरत नहीं है, आपको पूरा समझ में आ गया क्यों मैंने सेकंड पैसिव कैरेक्टर के रूप में फोर्ड कैरेक्टर का यूज किया, क्योंकि फोर्ड कैरेक्टर सर्वाइव प्लस फाइट दोनों जगह बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक ना। उसके बाद मतलब थर्ड और लास्ट पैसिव कैरेक्टर की बारी आती है, थर्ड और लास्ट पैसिव कैरेक्टर में मैं आपको कुछ एक दो चॉइस बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको अटैकिंग पावर चाहिए, इनिमी को मारने का पावर चाहिए, तो सबसे पहले आपको मारो कैरेक्टर यूज करना है। क्यों यूज करना है मैं आपको आगे समझाता हूं। तो देखिए मारो कैरेक्टर की एबिलिटी है कि ये गन का जो डैमेज है उसको 25% तक बढ़ा सकता है, 25% बहुत बहुत ज्यादा होता है, 25% तक डैमेज बढ़ा सकता है। इसके लिए क्या शर्त होता है कि आपको इनिमी से दूर रहना होगा, जितना ज्यादा रेंज होगा उतना ज्यादा आपका गन का डैमेज बढ़ जाएगा, ठीक ना। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। तो आप लोग ये वाला गेम प्ले देखिए, 5 इनिमी बचा है, मैं अकेला हूं, सामने पूरा स्क्वाड है, मतलब 4 बंदा बचा हुआ है। तो यहां देखिए जब मैं इनिमी को मारता हूं, एसबीडीवाई का डैमेज देखिए 114 का डैमेज पड़ा है, कितना ज्यादा डैमेज पड़ा है, क्यों पड़ा है, क्योंकि मैं यहां पर मैं मारो कैरेक्टर यूज कर रहा हूं और मैं इनिमी से बहुत ज्यादा दूर हूं, जितना ज्यादा दूर रहूंगा उतना ज्यादा डैमेज बढ़ेगा। तो यहां से देखिए मैं कितना ज्यादा डैमेज दे रहा हूं, एक इनिमी को मार दिया और कुछ ही देर में यहां देखिए दूसरा इनिमी को मैं मार दूंगा, वो पेड़ के पीछे से मार रहा है, देखिए 3 गोली मारे एकदम मर गया, ठीक ना, 3 गोली में 300 के आसपास डैमेज पड़ गया। तो मतलब इस तरह से जब मारो कैरेक्टर आप यूज कीजिएगा, जितना ज्यादा दूर रहिएगा उतना ज्यादा इनिमी को डैमेज पड़ेगा, इससे आप जो है ना मतलब अटैकिंग पावर आपका बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वीआर रैंक गेम में ज्यादातर इनिमी दूर ही रहता है, बहुत कम क्लोज फाइट होता है, तो मतलब वहां पर मारो कैरेक्टर वीआर रैंक गेम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि यहां पर ज्यादा लॉन्ग रेंज का फाइट होता है। तो आप लोगों में से बहुत सारा बंदा बोलिएगा कि मारो के जगह हम लोग लूना कैरेक्टर यूज कर लेते हैं, क्योंकि लूना कैरेक्टर 8% रेट ऑफ फायर बढ़ाता है गन का। अब फिर सोचिए देखिए 8% रेट ऑफ फायर या फिर 25% डैमेज, क्या ज्यादा है, आप खुद ब खुद सोच सकते हैं 25% डैमेज ज्यादा है। उसके ऊपर से देखिए क्या होता है ना कि वीआर रैंक गेम के अंदर क्लोज रेंज का फाइट बहुत कम होता है, ठीक ना, अगर 10 बार आप फाइट कीजिएगा तो मतलब 8 बार लॉन्ग रेंज का फाइट होता है, तो वहां मारो कैरेक्टर ज्यादा हेल्पफुल है, इसलिए अटैकिंग पावर आपको अगर बढ़ाना है तो आप मारो कैरेक्टर का यूज कीजिए, ना कि लूना कैरेक्टर का यूज कीजिए। इसके बाद देखिए सेकंड बेस्ट चॉइस जो है फोर्थ स्किल स्लॉट के लिए, अगर आपको डिफेंसिव पावर चाहिए, अगर आपको इनिमी मार देता है तो अगर आपको डिफेंसिव पावर चाहिए तो वहां पर आपको इलाइट एंड्रू कैरेक्टर यूज करना है, क्योंकि इलाइट एंड्रू कैरेक्टर जो है अभी फ्री फायर गेम का सबसे बेस्ट डिफेंसिव कैरेक्टर है। मैंने पास्ट में वीडियो बनाया है कि सबसे बेस्ट डिफेंसिव कैरेक्टर कौन सा है, तो वो है इलाइट एंड्रू कैरेक्टर, ना कि जस्टिन बीबर या अदर कोई कैरेक्टर, सबसे बेस्ट डिफेंसिव कैरेक्टर जो है वो इलाइट एंड्रू कैरेक्टर है। तो या तो आप मारो कैरेक्टर यूज कीजिए या इलाइट एंड्रू कैरेक्टर यूज कीजिए, क्योंकि ये दोनों जो है अपने अपने सेक्टर में बेस्ट कैरेक्टर है। तो मतलब कि चौथे स्किल स्लॉट में आपको 2 चॉइस मैंने बता दिया, पहला मारो कैरेक्टर, क्योंकि मारो कैरेक्टर क्या होता है, अटैकिंग पावर बढ़ाता है, क्योंकि वीआर रैंक गेम में लॉन्ग रेंज फाइट होता है, तो यहां मारो कैरेक्टर बहुत ज्यादा यूजफुल है, अटैकिंग पावर आपको बढ़ा देता है। उसके बाद देखिए मैंने एंड्रू कैरेक्टर, इलाइट एंड्रू कैरेक्टर यूज करने का, जिस जब आपको डिफेंसिव पावर चाहिए, बेस्ट डिफेंसिव कैरेक्टर है, इसके लिए आपको सिर्फ वेस्ट चाहिए, तो वीआर रैंक गेम में हमेशा आपके पास वेस्ट रहता ही है, तो मतलब सबसे बेस्ट डिफेंसिव कैरेक्टर है इलाइट एंड्रू कैरेक्टर, इसलिए आप इलाइट एंड्रू या फिर मारो कैरेक्टर, इन दोनों में से एक
चॉइस कर सकते हैं फोर्थ स्किल स्लॉट के लिए। तो मैंने जो आपको कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताया कि एक्टिव स्किल में के कैरेक्टर यूज करना है, के कैरेक्टर के साथ जो फर्स्ट स्किल स्लॉट है यहाँ पर लुकीटा कैरेक्टर का यूज करना है, उसके बाद जो सेकंड स्किल स्लॉट है यहाँ फोर्ड कैरेक्टर का यूज करना है, उसका जो फोर्थ स्किल स्लॉट में अगर आपको डिफेंसिव पावर चाहिए तो इलाइट एंडू कैरेक्टर का यूज करना है, अगर आपको अटैकिंग पावर चाहिए इनिमी को मारने का पावर चाहिए तो आपको मारो कैरेक्टर यूज करना है। तो ये वाला जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन होने वाला है न्यू बीआर रैंक सीजन 37 के लिए बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन होने वाला है, ठीक ना। क्यों होने वाला है, कैसे होने वाला है, इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का क्या एडवांटेज होने वाला है, सारा चीज मैंने एक्सप्लेन करके आपको अच्छा से समझा दिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो पसंद है, तो वीडियो को जरूर से जरूर कर दीजिए लाइक और चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।